हेलो चिल्ड्रेन, तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में TIR और आज देखते हैं एग्जांपल ऑफ TIR। हमने दिया हेडिंग एग्जांपल ऑफ TIR और इसका पहला एग्जांपल था साइनिंग ऑफ एयर बबल इन साइनिंग ऑफ एयर बबल इन साइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने लेट कर लिया, ये एयर बबल है और एयर बबल के साइड में क्या होगा, वाटर है। ये है वाटर और इसके अंदर में क्या बबल है, एयर बबल है, तो एयर होगा और एयर बबल का शेप जो होगा, दिस इज स्फेरिकल इन शेप। और यहां पे अगर हम एक नॉर्मल खींचा, दिस इज नॉर्मल, और इस एयर बबल पे जब लाइट रे इंसिडेंस होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इसी मीडियम में आ जाता है, या नहीं तो इसका TIR हो जाता है। ये मेरा क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो इस तरह से सरफेस को टच करते हुए जाएगा 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो इसी मीडियम में लौट जाएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। और वाटर और एयर के फेस का क्रिटिकल एंगल मींस दिस आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एंड क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एंड एयर के लिए हम पढ़े थे सी इक्वल टू 48 डिग्री। व्हेन लाइट रे इंसिडेंस फ्रॉम वाटर टू द सरफेस ऑफ एयर बबल देन मैक्सिमम लाइट रे इंसिडेंस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 48 डिग्री। सो मैक्सिमम लाइट रे 90% लाइट रे रिटर्न्स इन सेम मीडियम, देयरफॉर एयर बबल साइन इनसाइड वाटर। मींस हम लिख सकते हैं साइनिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर ड्यू टू TIR एट इट्स आउटर सरफेस। क्लियर है, एयर बबल इसलिए साइन करता है क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे TIR होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये था मेरा फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। नंबर टू में हेडिंग दिया हमने, नंबर टू स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है। हम डायमंड का कटिंग इस तरह से करते हैं कि मैक्सिमम लाइट रे का TIR हो जाए। ये डायमंड है, अगर डायमंड के सरफेस पे किसी लाइट रे को अगर हम नॉर्मली इंसिडेंस करवाया तो ये इसी पाथ पे जाएगा, और इस सरफेस पे ये नॉर्मल है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। So this light ray returns in same medium with same angle from the normal। जब इस सरफेस पे आता है लाइट रे तो यहाँ का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये मेरा यहाँ आ गया, अब इस सरफेस पे नॉर्मल खींचा फिर लाइट रे इधर आ गया। मीन्स स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू मल्टीपल TIR इन साइड इट। मीन्स डायमंड के इनर सरफेस पे मल्टीपल TIR होता है, इसीलिए दिस इज द रीजन ऑफ स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड।
और एयर बबल के आउटर सरफेस पे सिंगल टीआईआर होता था और डायमंड के इनर सरफेस पे मल्टीपल टीआईआर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड एंड शाइनिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर। एयर बबल में सिंगल टीआईआर होता था उसके सरफेस पे और डायमंड के इनर सरफेस पे मल्टीपल टीआईआर होता है। मींस हम लिख सकते हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू मल्टीपल टीआईआर इनसाइड इट। क्लियर है? ये था मेरा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है मिराज क्या होता है हम देखते हैं। जैसे ये डेजर्ट एरिया है और आप डेजर्ट एरिया में यहाँ पे हमने बना दिया ये कोई भी प्लांट है। डेजर्ट एरिया में मैक्सिमम कैक्टस के प्लांट पाए जाते हैं और डेजर्ट एरिया में जो होता है लोअर सरफेस पे हॉट एयर होता है और अपर सरफेस पे कूल एयर होता है। क्लियर है? जब यहाँ पे हमने नॉर्मल खींचा तो कूल एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम ले लिया म्यू वन, इसको हमने ले लिया म्यू टू और ये म्यू वन का वैल्यू ग्रेटर होता है म्यू टू से। मीन्स हॉट एयर का आर आई लेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू कूल एयर और यहाँ जो मीडियम है ये बहुत पार्ट में डिवाइड होता है। धीरे धीरे जब नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करते चला जाता है। मीन्स ऊपर में जो आर आई होगा एयर का ग्रेटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू लोअर। जब इस सरफेस से यहाँ से लाइट रे इंसिडेंस होता है तो धीरे धीरे इस तरह से कर्व होते चला जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम सरफेस खींचें तो इंसिडेंस रे डेंसर से रेडर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर भी खींचा तो इंसिडेंस रे डेंसर से रेडर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते ये इस तरह से पास करने लगता है और कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो उसको दिखता है क्या इस कैक्टस के प्लांट का इमेज इनसाइड द अर्थ अलोंग विथ ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड मिराज। हम कह सकते ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन डेजर्ट एरिया। इफ वी मूव अपवर्ड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इंक्रीजेड व्हेन लाइट रे इंसिडेंस फ्रॉम कूल एयर टू द लोअर सरफेस ऑफ द अर्थ देन रिफ्रैक्टेड रे रिटर्न्स बैक इन सेम मीडियम विद सेम एंगल फ्रॉम द नॉर्मल। सो इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द अर्थ अलोंग विद ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड मिराज एंड मिराज जनरली ऑब्टेंड इन डेजर्ट एरिया। मिराज कहाँ पे ऑब्टेंड होगा? डेजर्ट एरिया होगा। क्लियर है? ये था मेरा मिराज। नंबर फोर में देखते हैं। फोर नंबर का है लूमिंग। नंबर फोर का टीआईआर का जो एग्जाम्पल है वो है लूमिंग। लूमिंग क्या होता है? इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ मिराज। मीन्स मिराज जो मिलता था मेरा डेजर्ट एरिया में मिलेगा और लूमिंग जो मिलेगा मेरा पोलर एरिया में होगा। हमने लेट कर लिया ये एक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बोट है हमने बना दिया ओशन के अंदर में। ये क्या है? एक बोट है ये। और यहाँ पे इस ओशन के इस साइड में एक आदमी खड़ा है। जब पोलर एरिया में हम जाते हैं तो पोलर एरिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से इंक्रीज करता है। मीन्स नीचे वाला जो आ रहा है ये मेरा म्यू वन मीडियम है, यहाँ पे ये म्यू टू है। इन पोलर एरिया म्यू टू इज ग्रेटर देन
म्यू वन, जब हम अप से डाउन आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, और डाउन से अप जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। मीन्स पोलर एरिया में यहां से अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंस होता है इस सरफेस से, ये जो पोलर एरिया है अगर इसको हम टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दें, ये पोर्शन है इसका आर आई, फिर ये वाले पोर्शन का आर आई थोड़ा कम, फिर ये वाले पोर्शन का और कम, फिर इसका और थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, इसका और डिक्रीज करेगा। मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। मीन्स जब जब हम ऊपर चलते जाएंगे तो आर आई का वैल्यू डिक्रीज करते चला जाएगा। अगर यहां से कोई भी लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, ये धीरे धीरे कर्व होते चला जाता है। क्यों कर्व होता है? आप देखो लाइट रे यहाँ पे डेंसर मीडियम है से जा रहा है रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर ये लाइट रे डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे आकर के ये टी आई आर हो जाता है और इसके आई पे इस तरह से पहुंचता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है? अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं डॉट डॉट, तो इसका इमेज यहां पे दिखता है और ये जो इमेज दिखेगा मेरा इनवर्टेड दिखता है इस तरह से। ये मेरा इमेज दिखेगा यहां पे, इसका इनवर्टेड इमेज, और इसी को हम क्या कहते हैं? लोमिंग कहते हैं। कहता है इन पोलर एरिया इफ यू मूव अपवर्ड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिक्रीजेड व्हेन लाइट रे इंसिडेंस from any object to the atmosphere, then refracted ray returns back in same medium. So image of any object in polar area formed along with object inside the air, means in the atmosphere, is called looming. Clear है? ये मिराज का just reverse होगा, मिराज desert area में होगा, looming polar area में। और फाइव नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर नंबर फाइव में ऑप्टिकल फाइबर हम लोग इस तरह का देखे मार्केट में आता है, जो इसमें सेल लगा हुआ होता है, जो सजाने के काम में आता है, जो दिवाली यार के टाइम में बिकता है, आप अभी भी जाओगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहता है, ये पतला पतला फाइबर होता है और यहाँ पे स्विच रहता है, स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट नहीं रहता है, ये मेरा जलता है यहाँ पे। क्लियर है? देखे होंगे सब कोई। अगर इसमें से एक का डायग्राम हम बनाए तो एक का डायग्राम हमको इस तरह से दिखता है, ये एक फाइबर का है, ये बहुत पतला होता है, हम इस तरह से बना रहे हैं, इसमें डबल लेयर बना हुआ होता है, इसमें डबल लेयर होता है, इस तरह से बना हुआ होता है उसके अंदर में। क्लियर है? और जो डॉटेड ये जो मेरा ब्लू कलर का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू 1.5 होता है, और जो ब्लैक कलर मेरा डीप है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.7 होता है। मीन्स ये जो ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का ट्यूब है जिसका रेडियस फ्यू माइक्रोन्स है, उसके अंदर के इनर लेयर पे एक कोटिंग क्या हुआ रहता है, कोटेड, जो कोटेड का आर आई ग्रेटर विथ रिस्पेक्ट टू आउटर लेयर। जब कोई भी लाइट रे इंटर्स करता है इस ग्लास ट्यूब में, ये पहले डेंसर मीडियम के पास जा रहा है, तब उसके अंदर में है रेयर मीडियम, तो यहां का जो क्रिटिकल एंगल होता है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ग्रेटर हो जाता है, तो इसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। मींस ऑप्टिकल फाइबर के इनर सरफेस पे टी आई आर होता है और इस तरह से लाइट पार कर जाता है, इसीलिए ये यहां पे जलता है। मींस व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज अ ग्लास ट्यूब ऑफ रेडियस फ्यू माइक्रोन्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
inner layer of this glass tube is greater with respect to outer layer. So when light ray enters through this glass tube, then multiple TIR takes place inside it. It's called optical fiber. Clear? But nowadays optical fiber, means it is also called fiber optics, is used by the doctor to see the internal structure of the body. The by the process is called endoscopy, means endoscopy के through हम इसमें intestine का internal structure को देखते हैं. ये pipe होता है मुंह के through डाल देता है आदमी को, और intestine में हम TIR के method से उसके अंदर में कहाँ पे इन्फेक्शन है उसका हम पता कर सकते हैं. एंडोस्कोपी का मतलब होता है टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन. विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर है? Means optical fiber is a glass tube of radius few microns. मतलब ये बहुत ही पतला होता है. The refractive index of inner layer is greater with respect to outer layer. When light ray enters through this glass tube, then multiple TIR takes place inside it. But nowadays it is also used by the doctor to see the internal structure of the intestine. And this process is called endoscopy. Clear है? अब हम number 6 का example देखते हैं. Means TIR through glass prism. TIR through glass prism. Number 6 में TIR through glass prism. ग्लास प्रिज्म, कुछ ऐसे ग्लास प्रिज्म होते हैं जो डिजायरेबल बना हुआ होता है और उसके थ्रू TIR होता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक प्रिज्म है और इसका ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री है. अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी है. अब इस ऑब्जेक्ट से अगर बी पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंस करा रहे हैं तो ये सरफेस पे नॉर्मल जा रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं, ये नॉर्मल खींचा हमने और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है. क्लियर है? अब यहाँ पे नॉर्मल खींचा तो हम ये पता कर लेते हैं ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना हो जाएगा मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा. दिख नहीं रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री और हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना डिग्री होता था 42 डिग्री, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, इसीलिए इस लाइट रे का क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये लाइट रे इधर नहीं जाएगा, किधर आ जाएगा, इसका TIR हो जाएगा, इस तरह से पास करेगा. क्लियर है? अगर हम इस सरफेस से लाइट रे पे यहां से इंसिडेंस कराते हैं तो यहां पर भी वही होगा जो यहां होता था, ये एंगल 45 डिग्री, तो यहां पर भी TIR हो जाएगा. और ये जो मेरा B पॉइंट से आ रहा है और ये आ रहा है A पॉइंट से, इसीलिए इसको हमने लिखा A डैश, इसको लिखा B डैश और ये मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया. क्लियर है यहां तक? अब यहां से देखें, अब देखते हैं ये लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है. अब यहां पे हो गया A से, ये मेरा कितना डिग्री से मुड़ गया 90 डिग्री से. मींस दिस लाइट रे deviated by 90 degree. क्लियर है यहां तक? ये मेरा था फिगर ए. ए फिगर में हमने समझाया मींस TIR थ्रू
ग्लास प्रिज्म। अगर हम एक डायग्राम और देखें, ये एक ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है और इसका ये एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल है 45 डिग्री। अब हम क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी। अब यहाँ से लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया इस पे, तो ये सरफेस पे टी आई आर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे टी आई आर हो जाएगा। तो लाइट रे इस तरह से आएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब इस सरफेस पे हम देखते हैं, इस सरफेस पे देखते हैं, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया है। सो यहां पर भी क्या हो जाएगा, लाइट रे इधर नहीं आएगा, इसका टी आई आर हो जाएगा और इस तरह से पास करेगा, क्लियर है। ये बी पॉइंट से आ रहा है इसीलिए यहाँ जो होगा मेरा बी डैश होगा। अब यहां से लाइट रे इंसिडेंस कराया इस सरफेस पे, यहाँ पर भी टी आई आर होगा, ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर भी टी आई आर होगा, इस तरह से जाएगा, ये मेरा ए पॉइंट होगा, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख रहे हो ये जो एंगल यहाँ से मूव कर रहा है 180 डिग्री से, सो डिविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्लियर है। ये था मेरा फिगर बी, मींस टी आई आर थ्रू ग्लास प्रिज्म हम देख रहे हैं। देखते हैं फिगर नंबर सी क्या है। फिगर नंबर सी, ये मेरा एक ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है और ये एंगल 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये भी एंगल 45 डिग्री है, क्लियर है। अब हमने क्या, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, अब एक लाइट रे को हम यहां से इंसिडेंस कराया, तो यहां पे नॉर्मल खींचा, ये मेरा नॉर्मल है, क्लियर है, ये नॉर्मल है। देखते हैं यहां पे क्या होता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब यहां से लाइट रे इंसिडेंस करवाया तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा और ये इस सरफेस पे आ गया लाइट रे, ठीक है। फिर यहां पे यहां से टी आई आर होगा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब यहां से लाइट रे जा रहा है, ये इस तरह से पास करेगा, क्लियर है। अब ये पॉइंट मेरा बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी होगा। अब यहां से लाइट रे आ रहा है, अगर इसके पैरेलल लाया तो लाइट रे इस सरफेस पे आया और यहां से आई इक्वल टू आर करते हुए ऐसे जाएगा, फिर यहां से ये पैरेलल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया। अब देखो ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, इसको ए डैश और इसको बी डैश लिया, तो यहां पे मेरा इमेज इन्वर्टेड बना है। इमेज मेरा क्या है, इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड बट एंगल ऑफ डिविएशन इज जीरो डिग्री। आप देखिए ये लाइट रे और ये लाइट रे पैरेलल हो गया है, फिर ये लाइट रे पैरेलल हो गया है, इसीलिए एंगल ऑफ डिविएशन कितना है, जीरो डिग्री, बट इमेज इज इन्वर्टेड। ये था मेरा टी आई आर विथ प्रिज्म, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे
क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजन, विजन ऑफ द डाइवर इनसाइड वाटर, या इसी का दूसरा नाम है मेराइन सिग्नल इक्वेशन। अब मेराइन सिग्नल इक्वेशन क्या होता है, या विजन ऑफ द डाइवर इनसाइड वाटर क्या होगा? हमने लेट कर लिया, ये वाटर का सरफेस है और कोई भी डाइवर है वाटर सरफेस से ये एच डेप्थ पे है। एक डाइवर है जो वाटर सरफेस से एच डेप्थ पे है, क्लियर है? अब हम यहां से देखते हैं, अगर ये डाइवर इस तरह से देखता है, ये हम दो ठो नॉर्मल या ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, अगर ये डाइवर इस तरह से देखे, एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया और यहाँ पे एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया, जिससे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे इस तरह से जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है? मीन्स ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो ये डाइवर जो है मेरा होल वर्ल्ड को नहीं देखेगा, मीन्स इससे इधर वाला सारा दिखेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये इसको विजन नहीं कर पाएगा, मीन्स इस लाइन से इधर वाला दिखेगा ये नहीं देखेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करवाते हैं, ये भी एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है। अब यहां से एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, ये लाइट रे जो इंसिडेंस हो रहा है और इस वक्त का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल के इक्वल है तो ये लाइट रे इस तरह से पार कर जाएगा, यहां से पार करेगा और ये भी देखते हैं ग्रेज करते हुए चला जाएगा। अगर ये लाइट रे को हम ऐसे इंसिडेंस करवाया जिससे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के इक्वल है तो लाइट रे इस तरह से ग्रेज करते हुए जाएगा, मीन्स वाटर के सरफेस से ऊपर सब कुछ दिखेगा डाइवर को। आप देखिए लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ, वाटर के सरफेस से पास कर रहा है, मीन्स वाटर के ऊपर सब कुछ दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल और लिया ये एन और ये भी मेरा नॉर्मल है, अब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंस हो रहा है, ये जो लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है इस तरह से, ये मेरा इंसिडेंस रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा और ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ। इफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तब ये टी आई आर हो जाएगा, क्लियर है? और ये जो है मेरा एपेक्स है, दिस इज अ डाइवर। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पे क्या है, ये एंगल लेस देन सी, ये भी एंगल लेस देन सी, सो टोटल एंगल इज लेस देन टू सी। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, इफ एपेक्स एंगल इज लेस देन टू सी देन डाइवर कैन नॉट सी होल वर्ल्ड। जब एपेक्स एंगल 2c से कम है तो डाइवर इस लाइन से ऊपर ही नजर आएगा, इसको दिखेगा, क्लियर है? अगर ये एपेक्स एंगल यहां से लेके यहां तक ये c हो जाता है और ये भी मेरा एंगल क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्लू से ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है ये एंगल c, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2c। जब टोटल एंगल 2c हो जाएगा देन डाइवर कैन सी अबव वाटर लेवल, और ये जो एंगल है मेरा यहां से लेके यहां तक, ये एंगल मेरा है ग्रेटर देन 2c, ग्रेटर देन c, और ये भी एंगल मेरा कितना है ग्रेटर देन c। सो इफ, तो फर्स्ट नंबर था इफ एपेक्स एंगल, इफ एपेक्स एंगल इज थीटा लेस देन 2c देन डाइवर कैन नॉट सी होल वर्ल्ड। नंबर टू,
इफ एपेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 2c देन डाइवर कैन सी अबव वाटर लेवल एंड नंबर थर्ड इफ एपेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 2c देन डाइवर कैन सी इनसाइड वाटर। जब एपेक्स एंगल ग्रेटर देन 2c हो जाता है तो TIR होना शुरू हो जाएगा और डाइवर इनसाइड वाटर देखना शुरू कर देगा। अब क्वेश्चन ये है व्हेन डाइवर कैन सी अबव वाटर लेवल, तो वाटर लेवल से जब टोटल ऊपर दिखेगा तो उस वक्त जो ये कोन का फॉर्मेशन होगा दिस इज अ कोन CONE और इस कोन का रेडियस क्या होगा निकालना है। अब यहां देखो ये जो मेरा पॉइंट है ये जो कोन है ये कोन का रेडियस हमने लेट कर लिया क्या है आर है और इस कोन का रेडियस निकालना है। तो अब देखते हैं इस ट्रायंगल में अगर इसको ओ ले लें इसको ए ले लें इस पॉइंट को बी ले लेते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल में देखते हैं टेन सी इक्वल टू आर बाय एच ये हाइट एच है मीन्स डाइवर का जो हाइट है वाटर के सरफेस से एच है तो 10c को क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर कितना है आर बेस कितना है एच और 10c को हम लिख सकते हैं साइन सी बाय कॉस सी इक्वल टू आर बाय एच इसको हम लिख सकते हैं साइन सी बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू आर बाय एच क्लियर है। हमको निकालना है क्या आर तो आर इक्वल टू हो जाएगा एच साइन सी बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 1 क्लियर है। अब देखते हैं ये है मेरा एयर ये कोई ना कोई मीडियम है ये मीडियम मे बी वाटर मे बी अनदर मीडियम ग्लास कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने इसको म्यूलेट कर लिया और हम जानते हैं साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू होगा हम लिख सकते थे म्यू एयर बाय म्यू मीडियम और म्यू मीडियम का वैल्यू कितना है म्यू सो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू और हम पढ़े भी हैं साइन सी का वैल्यू 1 बाय म्यू होता है फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं R इक्वल टू एच साइन सी को लिखेंगे हम 1 बाय म्यू फिर यहां पे कितना है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी मीन्स 1 बाय म्यू स्क्वायर क्लियर है यहां तक चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होगा हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू एच बाय म्यू क्लियर है यहां पे हो जाएगा रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा एच बाय म्यू इक्वल टू रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और म्यू स्क्वायर का अंडर रूट म्यू हो जाएगा दिस म्यू कैंसिल सो आर इक्वल टू एच बाय रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन ये मेरा क्या है कोन का रेडियस है क्लियर है। अब कोन का एरिया क्या होगा एरिया अगर एरिया को हम ए से लिखें एंड दिस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सो एरिया इक्वल टू पाई एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1 क्लियर है यहां तक चले आगे चलते हैं आगे। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन है दिया हुआ है बुक में ही आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन है लाए हैं क्वेश्चन है कि ये एक ग्लास स्लैब है ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस मींस हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर है कितना है 80 सेंटीमीटर और यहां पे एक बल्ब है इस बल्ब को हम जला दिए हैं तो कहता है कि ये बल्ब से जो लाइट रे पास कर रहा है इस तरह से
और ऐसे ग्रेज करते हुए चला जा रहा है, इस तरह से ग्रेज करते हुए चला जा रहा है। तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा बताइए, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 80 सेंटीमीटर है, लोअर बेस पे एक बल्ब को हमने बल्ब को जला रखा है, तो कहता है यहां जो कोन ब्राइट एरिया जो होगा, ये मेरा क्या है ब्राइट एरिया कितना होगा कहता है निकालने के लिए। तो अभी हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, ये ग्लास स्लैब है तो न्यू ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है 1.5। तो यहां पर अभी हम एरिया का फॉर्मूला क्या निकाले हैं, पाई एच स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14, एच कितना है 80 सेंटीमीटर मीन 0.8 × 0.8 मीटर स्क्वायर हो जाता, म्यू स्क्वायर 15 × 15 225 2.25 हो जाएगा, क्लियर है, माइनस 1 ये हो जाएगा 3.14 0.64 बाय 1.25। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आता है 2.6 मीटर स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, चले आगे चलते हैं आगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लाए हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब का जो साइड है रेक्टेंगुलर है, और यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें या इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखें या इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखें या इस पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, तो और किसी भी फेस से हम देखें तो वह हमको देखना नहीं चाहिए। तो कहता है और इस ग्लास स्लैब का जो म्यू दिया हुआ है मेरा 1.5 है, तो कितना डिग्री से इंसिडेंस हो कि ये ऑब्जेक्ट किसी भी फेस से दिखना नहीं चाहिए। अगर यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से लाइट रे इंसिडेंस इस पे होता है तो ये मेरा अगर इस तरह से पास कर जाता है लाइट रे, यहां पे नॉर्मल खींचेंगे तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल के इक्वल। अगर यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह से हम देखते हैं, अगर ये लाइट रे इस तरह से पास कर जाता है यहां से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल के इक्वल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे से लाइट रे इंसिडेंस होता है इस सरफेस पे, यहां पे नॉर्मल खींचते हैं, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है क्रिटिकल का, ये लाइट रे इस तरह से पास कर जाएगा। अगर इस पॉइंट पर से लाइट रे यहां इंसिडेंस करवाते हैं, यहां नॉर्मल खींचते हैं, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे इस तरह से पास कर जाएगा। मींस ग्रेज करने के लिए जो मेरा एंगल होगा, ये एंगल होगा, हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, तो 90 डिग्री। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। तो म्यू टू इधर क्या है, बाहर में एयर है 1, और म्यू वन मीडियम कितना है मेरा 1.5, मीन्स दिस इज इक्वल टू 3/2, क्लियर है, क्लियर है। यहां पे साइन 90 का वैल्यू 1, सो आई इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2, और साइन इनवर्स 3/2 का जो वैल्यू होता है 42 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई सो दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इनविजिबल थ्रू एनी फेस। तो पहला नंबर चॉइस है ये आई इक्वल होगा 42 डिग्री का, दूसरा नंबर चॉइस है आई लेस होगा 42 डिग्री का, तीसरा नंबर चॉइस है आई ग्रेटर होगा 42 डिग्री का, और चौथा नंबर चॉइस है नन। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जब आई मेरा लेस हो जाता मेरा 42 डिग्री से, यहां पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं, यहां पे देखते हैं, अगर यहां पे था लाइट रे ऐसे इंसिडेंस होता,
इस सरफेस पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस सी से हो जाता तो इधर आ जाता, ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है इस सरफेस के ऊपर में। लेकिन कहता है दिखना नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ आ रहा है तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये टी आई आर का केस नहीं हुआ, नहीं दिखने के लिए टी आई आर होना चाहिए। अगर ऐसे आता तो ये लाइट रे कहाँ पे ऐसे पास करता तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता। अगर ऐसे आ रहा है तो मे बी ये तिरछा कहीं दिख गया, तो इसलिए जब ये लाइट रे ऐसे रिटर्न हो जाएगा तब ये किसी भी फेस से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी आई आर, टी आई आर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। सो आई ग्रेटर देन 42 डिग्री, जब इस लाइट रे को हम आई ग्रेटर देन 42 डिग्री पे इंसिडेंस करवाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर फेस के किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है तो किसी भी फेस से दिखाई नहीं पड़ेगा। आप यहाँ रख दो, इधर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, नहीं दिखेगा। यहाँ रख दिया, यहाँ 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 कहीं से भी देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। फिर सबसे पहले इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, तब फिर आगे वाला टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।